जी, साइकोलॉजिकल फाउंडेशंस ऑफ करिकुलम मतलब कि पाठ्यचर्या का मनोवैज्ञानिक आधार। ठीक, देखिए इस चीज को थोड़ा सा हमें समझना होगा। ये चीज हमने हमारा जो लेक्चर वन था करिकुलम का उसमें भी देखा था कि जो शिक्षा है, जो एजुकेशन है, जी जो एजुकेशन है हमारा, ये एजुकेशन एक कैसी प्रोसेस है? थ्री पोलर प्रोसेस है। ठीक, एजुकेशन इज ए थ्री पोलर प्रोसेस। उसमें कौन कौन था? एक लर्नर था आपका, एक टीचर था और एक करिकुलम था। ये डायग्राम हमने देखा था, है ना, लर्नर टीचर एंड करिकुलम। ठीक, तो देखिए दोस्तों, जब हम लर्नर के साथ डील कर रहे हैं, एक टीचर जब लर्नर को इस करिकुलम को ट्रांजेक्ट कर रहा है, उसे दे रहा है इस करिकुलम के जरिए अलग अलग एक्सपीरियंसेस, अलग अलग नॉलेज दे रहा है, इसका क्या मतलब है कि उसे लर्नर के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। ठीक है, लर्नर की अगर पूरी जानकारी आपके पास होगी, तभी आपकी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, ठीक है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस वो सक्सेसफुल हो पाएगी। ठीक, इतना क्लियर है? एक बार फिर से थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ। हम लोग पढ़ रहे हैं मनोवैज्ञानिक आधार पाठ्यचर्या के, है ना, इसकी शुरुआत हम कर रहे हैं इस बेसिक स्टेटमेंट के साथ दैट एजुकेशन इज थ्री पोलर प्रोसेस। कैसी प्रोसेस है? थ्री पोलर प्रोसेस है। और दोस्तों, थ्री पोलर प्रोसेस में एक होता है लर्नर, एक होता है टीचर और एक होता है करिकुलम। टीचर जो है लर्नर को नॉलेज देने के लिए इस करिकुलम के थ्रू या उसके बिहेवियर में चेंज लाने के लिए, पॉजिटिव चेंज लाने के लिए ये करिकुलम का यूज करता है। और आप जानते हैं करिकुलम क्या है? सम ऑफ कंटेंट एंड नॉलेज, कंटेंट प्लस नॉलेज, है ना, ये लर्नर को दिया जाता है। अब लर्नर इसे अच्छी तरह से कैसे गेन कर पाएगा, आपको कौन कौन से तरीके लगाने हैं, ये आप तभी कर पाएंगे जब आपके पास लर्नर की अच्छी नॉलेज होगी। आपकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस तभी सक्सेसफुल हो पाएगी, इफेक्टिव हो पाएगी, जब आपको लर्नर के बारे में पूरा नॉलेज हो। ठीक है, तो अगर आपको लर्नर के बारे में पूरा नॉलेज चाहिए, तो फिर आपको ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़नी पड़ेगी। ह्यूमन साइकोलॉजी का वो पार्ट जो ये बोलता है कि ह्यूमंस कैसे लर्न करते हैं, ह्यूमंस कैसे लर्न करते हैं, हाउ ह्यूमंस लर्न। ठीक, अब जब हमें इन चीजों का ध्यान रखना है, तो हमारा जो करिकुलम है उसमें क्या-क्या चीजें होनी चाहिए, ये हमें देखनी होगी अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी। ये कुछ बेसिक चीजें हो गई जो आपको समझ में आई होगी कि हम फाउंडेशन साइकोलॉजी के बारे में पढ़ना क्यों जरूरी है। उसका एक बहुत ही बेसिक स्तर पर हमने बात करी। अब हम लोग पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे और हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट पेज से हम लोग लिखना शुरू करते हैं। आप लोग हो लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट कुछ स्टेटमेंट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ यहाँ पर। सबसे पहला आपको लिखना है यहाँ पर, ये हम बेसिक चीजें लिख रहे हैं। ठीक है, देखिए, इट इज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम। क्या है करिकुलम? बनाने से पहले आपको ये इम्पॉर्टेंट है, इट इज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड दी साइकोलॉजिकल साइकोलॉजिकल फाउंडेशंस ऑफ करिकुलम, बिकॉज क्या बताता है ये हमें? साइकोलॉजी एक्सप्लेन्स। इस तरीके से आप इसको फ्लो डायग्राम में भी बना सकते हैं। साइकोलॉजी एक्सप्लेन्स क्या एक्सप्लेन करता है? हाउ लर्नर और अ पर्सन
लर्न्स, कैसे सीखता है कोई, ठीक है, ये बताता है। एंड ये बेसिक चीज हो गई, कोई कैसे सीखता है। अब आप इसको थोड़ा इस तरीके से समझिए, क्या हर इंसान एक जैसी तरह से सीखता है, या हर एक इंसान का जो प्रतिक्रिया होती है किसी भी चीज पर, क्या एक जैसी होती है। आप क्लास में जाइए, आप कोई भी टॉपिक पढ़ाइए, हर एक बच्चे के दिमाग में अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। हम सब टीचर हैं और हमें ये बात मालूम होती है, ठीक है। जैसे कि आप मान लीजिए कि आपकी क्लास में कोई एक स्टूडेंट है, ए स्टूडेंट है, ये अब्सेंट था, है ना। वहीं एक दूसरा भी स्टूडेंट है बी, वो भी एक पर्टिकुलर सेम डे पर अब्सेंट था, ठीक। अब अगर एक टीचर ने ए से पूछा, भाई कल आप क्यों अब्सेंट थे, है ना, तो हो सकता है ये लर्नर ये सोचे, अरे वाह, टीचर ने मुझे नोटिस किया, मैं नहीं आया, टीचर ने मेरा ध्यान रखा, ठीक है। वहीं ये जो बी स्टूडेंट जो अब्सेंट था, वो ये सोच सकता है, मैम को क्या मतलब है, मेरी लाइफ में इंटरफेयर कर रही है मैम, मैं आऊं ना आऊं उन्हें क्या लेना देना है। समझ पा रहे? तो किसी भी एक स्टिमुलस के लिए अलग अलग रिस्पॉन्सेज आपको मिल सकते हैं। मतलब कि हर एक जो पर्सन है सेम सिचुएशन में अलग अलग तरीके से रिएक्ट कर सकता है। इसलिए क्या क्या संभावनाएं हैं रिएक्शन की, किस किस तरीके के स्टिमुलस से कैसे कैसे रिस्पॉन्स मिल सकते हैं, ये सब आपको कहाँ पर पढ़ने को मिलता है, ये सब आपको पढ़ने को मिलता है साइकोलॉजी में। इसलिए जब एक टीचर 30 स्टूडेंट 30 स्टूडेंट की क्लास में जाता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को फेस करता है, उसके सामने हमेशा ये एक ऑब्जेक्टिव रहता है कि हर एक बच्चा उसकी क्लास से सीख के जाए, तो उसे इन सारी चीजों का नॉलेज होना चाहिए। इतना क्लियर है आप सभी लोगों को, ठीक है, ठीक। मतलब क्या हुआ यहाँ पर, फॉर लिखिएगा आप, यस, फॉर सक्सेसफुल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लर्नर इज नेसेसरी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लर्नर इज नेसेसरी, है ना। लर्नर को समझना जरूरी है, और वो हम कैसे समझेंगे, अभी आपको मैंने बात बताई है ना, कैसे समझेंगे हम, बाय यूजिंग प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, एक दो इंपॉर्टेंट जो है टर्म्स सेंटेंसेस आपको हमेशा याद रखना है, ये ऐसे के ऐसे ही पूछे जाते हैं एग्जाम में, जो कि इस सेक्शन से निकल करके आते हैं। क्या है वो सेंटेंसेस, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स एक्ट एज सीमेंट इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, आपको याद रखना है ये, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स एक्ट्स एज सीमेंट, सीमेंट की तरह काम करते हैं ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान। मतलब कि अगर आप बच्चों की साइकोलॉजी जानते हैं, तो अगर आप बच्चों की साइकोलॉजी जानते हैं, तो आपकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एक दूसरे से जुड़ी हुई रहेगी, जो आप पढ़ा रहे हैं वो बच्चा लर्न करता रहेगा। अगर आप साइकोलॉजी जानते हैं, बच्चे क्या सोच रहा है, उस पर कैसा जवाब देना है ना, कहाँ वो खो गया है, उसको वापस क्लास में कैसे लेकर के आना है, ये आप जानते हैं, तो आप जो पढ़ाने गए हैं, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस आपकी सक्सेसफुल हो जाएगी, ठीक है जी। नमस्ते राम जी, जी ठीक, ये बात हो गई। अब साइकोलॉजी प्रोवाइड दोज एलिमेंट्स विच यूनिफाई लर्निंग प्रोसेस, ये लाइन और लिखिएगा, साइकोलॉजी प्रोवाइड्स दोज एलिमेंट्स विच यूनिफाई
which unify learning process. ठीक है, जोड़ के रखने का काम करना है, यहाँ पर भी क्या मीनिंग निकलेगा। ठीक है, अब देखिए बहुत सारे जो फिलोसोफर है ना, बहुत गहरी बात है ये कि बहुत सारे फिलोसोफर्स अपने स्टेटमेंट्स में ये कहते हैं दैट टीचर सिंपली गिव्स इंफॉर्मेशन। टीचर क्या करता है, इंफॉर्मेशन देता है बस, है ना। और जो इंफॉर्मेशन है उससे जो लर्निंग होती है वो किसके ऊपर, किसके अकॉर्डिंग होती है, अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड। इसके आगे लिखिएगा इट बिकम्स लर्निंग अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड। बहुत बड़ी एक लाइन है, लर्निंग अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड। ठीक, इतना क्लियर है। मतलब क्या है कि जो भी आपने तो टीचिंग कर दी पर वो लर्निंग बन पाएगा या नहीं वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, चाइल्ड के ऊपर डिपेंड करता है। हम लोग बहुत सारे टीचर्स से पढ़ते हैं, सेम सेम बुक सेम सेम कंटेंट वो पढ़ाते हैं, हमें इंफॉर्मेशन देते हैं, पर कभी हम पढ़ते पढ़ते हमारे कुछ कनेक्शंस जुड़ जाते हैं और हमें समझ में आ जाती है कि अच्छा ये बात थी, उन टीचर ने भी बताई थी पर समझ में नहीं आई, आज मुझे ये चीज क्लियर हो गई। क्यों? क्योंकि आपके कनेक्शंस बन जाएंगे। टीचर बात तो वो भी बता रहा था पर कनेक्शंस कभी कभी हमारे बन जाते हैं। ठीक, चले आगे बढ़े। इट मीन्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजिकल नीड्स ऑफ द लर्नर। इट मीन्स कि आप जो टीचिंग कर रहे हैं ना वो लर्निंग में बदल पाए इस स्टूडेंट की, उसके लिए क्या जरूरी है। उसके लिए ये जरूरी है कि आपको, यू हैव अ टीचर मस्ट हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइकोलॉजिकल नीड्स ऑफ द लर्नर। साइकोलॉजिकल नीड्स of the learner। ठीक है, अब इसको मैं समराइज भी करती हूँ इन सभी चीजों को। अब मतलब क्या हुआ, एज अ टीचर जो है आपके पास क्या क्या होना चाहिए, आपके पास साइकोलॉजिकल जो प्रिंसिपल्स हैं उनका नॉलेज होना चाहिए, एक लर्नर की नीड क्या है ये होना चाहिए। और ये आप फुलफिल कब कर पाएंगे, जब आप इसे करिकुलम में डालेंगे। ठीक है, क्योंकि करिकुलम की जब हमने फर्स्ट टू क्लासेस करी थी तब हमने देखा था कि टीचर हर बार जो है डिजाइनिंग नहीं करेगा, ये करिकुलम में डालनी है ताकि टीचर इसको एज इट इज वहां पर ट्रांजेक्ट कर पाए अप्रोप्रिएट मेथड के साथ। ठीक है, तो साइकोलॉजिकल नीड्स समझना जरूरी है और फिर उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करना है, अंडरस्टैंड द साइकोलॉजिकल नीड, रिफ्लेक्ट ऑन दैट नीड। ठीक, एंड ट्रांसलेट इनटू इट इनटू द करिकुलम एंड ट्रांसलेट इट इनटू करिकुलम। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो टीचर का काम है कि वो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल समझे, साइकोलॉजिकल जो एक लर्नर की जो नीड्स हैं, साइकोलॉजिकल नीड्स हैं उसे समझे, उस पर रिफ्लेक्ट करें और फिर उन्हें करिकुलम में डालने की कोशिश करें। करिकुलम में टीचर कैसे डालेगा, कल ही हमने बात की थी, जब करिकुलम प्लानिंग होती है तो उसमें टीचर भी इन्वॉल्व होता है, उसमें लर्नर भी इन्वॉल्व होता है, बिजनेस पर्सन जो एजुकेशन से रिलेटेड हैं, है ना, ऐसे तमाम 8 तरीके के लोग हमने देखे थे। ठीक है, इतना क्लियर है यहाँ तक कि हमें साइकोलॉजिकल नीड क्यों पढ़नी है। क्यों? क्योंकि टीचर जब बच्चे के सामने जाएगा तो जिस बच्चे को वो पढ़ा रहा है उसकी टीचर की टीचिंग लर्निंग में बदल पाए, इसलिए टीचर को साइकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल पता होने चाहिए और वो उसके करिकुलम में भी शामिल होने चाहिए। ठीक है, इसलिए जरूरी है हमें साइकोलॉजिकल फाउंडेशंस ऑफ
करिकुलम को ध्यान में रखना, मतलब कि जब आप एक करिकुलम बनाने जाएंगे, नेक्स्ट पेज में लेती हूँ मैं इसको, जब हम करिकुलम बनाने जाएंगे तो हमने क्या बोला है कि भाई हमें फिलोसॉफिकल चीजों को भी ध्यान में रखना है, हमें सोशियोलॉजिकल चीजों को भी ध्यान में रखना है, और आज हम बात कर रहे हैं कि हमें साइकोलॉजिकल चीजों को भी ध्यान में रखना है और क्यों रखना है, ये हमने अब बात कर चुके हैं। ठीक है, अब जब बात आती है कि साइकोलॉजी की, तो सबके दिमाग में पहली चीज आ जाती है जो कि है आपकी लर्निंग थ्योरीज। ठीक है, पर इतना आपको समझना है कि करिकुलम में हमें लर्निंग थ्योरीज नहीं पढ़नी है। ठीक है, करिकुलम में आप समझ लीजिए इस बात को कि करिकुलम में आपको लर्निंग थ्योरीज नहीं पढ़नी है, आपको इसमें लर्निंग थ्योरीज नहीं पढ़नी है, आपको इन लर्निंग थ्योरीज द्वारा क्या क्या प्रिंसिपल्स दिए गए हैं जो करिकुलम में इन्वॉल्व होना चाहिए वो पढ़ने हैं। इतना क्लियर है, करिकुलम में लर्निंग थ्योरीज नहीं पढ़नी है, तो हमें जो लर्नर लर्निंग वाला जो हमारा थर्ड यूनिट है उसमें पढ़ना है ना, जितनी भी लर्निंग थ्योरीज है। यहाँ पर तो हर एक लर्निंग थ्योरी ने कुछ प्रिंसिपल दिए हैं जो करिकुलम में इन्वॉल्व होना चाहिए, वो बस हमें पढ़ने हैं यहाँ पर। ठीक है, इतना क्लियर? यस यस, लर्निंग थ्योरीज लाइक थ्रॉन्डाइक एंड क्लासिकल ऑपरेंट कंडीशन। जी, ये बिल्कुल, ये सभी कुछ हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे उस यूनिट में, अभी हम बस ये देखेंगे। अभी मैं आपको देखिए फ्लो चार्ट बता देती हूँ इसका किस तरीके से रहेगा। देखिए जो लर्निंग थ्योरीज है, नेक्स्ट पेज पेज पर लेती हूँ इसको मैं, जो हमारी लर्निंग थ्योरीज हैं इनको हम तीन कैटेगरी में बांटते हैं, ये हम सभी लोग जानते हैं इस बात को, है ना। पहला होता है बिहेवियरिज्म, ठीक, दूसरा होता है कॉग्निटिविज्म, कॉग्निटिविज्म ठीक है, एंड ह्यूमनिज्म, कॉन्सेप्ट ऑर्गेनाइजेशन। जी, इसी में आएगा मोहन जी। ठीक, तो बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म और ह्यूमनिज्म, जितनी भी लर्निंग थ्योरीज हैं हम उनको बेसिकली इन तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, और इन तीनों चीजों को हम लोग देखेंगे पर करिकुलम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। आज हम लोग बिहेवियरिज्म का मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगी, देन कल का जो लेक्चर होगा हम उसमें देखेंगे कि बिहेवियरिज्म के अकॉर्डिंग जो करिकुलम है उसमें क्या क्या प्रिंसिपल्स बिहेवियरिज्म के होते हैं, कॉग्निटिविज्म क्या है, उसके क्या क्या प्रिंसिपल्स जो है करिकुलम में इन्वॉल्व होते हैं, ऐसे ही ह्यूमेनिज्म उसके कौन कौन से प्रिंसिपल हमारे करिकुलम में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो पहला आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बिहेवियरिज्म में, मतलब कि लर्निंग थ्योरीज ना कह के हम सिर्फ ये कहेंगे लर्निंग थ्योरीज एंड करिकुलम या फिर करिकुलम डेवलपमेंट। ये बात मैंने कल भी बोली थी कि हम अधिकतर करिकुलम डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो बिहेवियरिज्म क्या है? बिहेवियरिज्म, इसमें आप सबसे पहली लाइन लिख सकते हैं, इट डील्स विद वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स एंड रीइंफोर्समेंट। बिहेवियरिज्म में किस चीज की बात होती है? बिहेवियरिज्म में बात होती है स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स की एंड रीइंफोर्समेंट की। ठीक है, मतलब कि बिहेवियरिज्म क्या कहता है कि अगर आपको किसी से एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिस्पॉन्स चाहिए तो आपको एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टिमुलस देना होगा, एक खास उद्दीपन पर आपको एक खास प्रतिक्रिया मिलेगी, इसे हिंदी में हम इस तरीके से कह सकते हैं। ठीक है, तो बिहेवियरिज्म में बात होती है स्टिमुलस और रिस्पॉन्स की और रीइंफोर्समेंट की। इसमें आपकी जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है ना, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी और आपका ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी जो है मेन होती है। ठीक, चलिए अब बिहेवियरिज्म के बारे में और थोड़ी बात कर लें।
बिहेवियरिज्म जो है ये हमारा फर्स्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है, फर्स्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है जिसने ये बताया हाउ स्टूडेंट लर्न और हाउ लर्निंग ऑकर्स, हाउ लर्निंग ऑकर्स, ठीक है, क्या बताया, हाउ लर्निंग ऑकर्स। बिहेवियरिज्म की बात कर रहे हैं, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स और रीइन्फोर्समेंट की बात बिहेवियरिज्म में होती है। एक खास तरीके के स्टिमुलस पर आपको खास तरीके का रिस्पॉन्स मिलता है, मतलब कि अगर आप बच्चे को कुछ सिखाना चाहते हैं तो आप उसको उसी तरह जो सिखाना चाहते हैं उसी तरह का आप उसको रिस्पॉन्स, आप स्टिमुलस दीजिए, उद्दीपन दीजिए, तो आपको स्पेसिफिक रिस्पॉन्स मिलेगा। अभी डिटेल में भी बात करेंगे इसके ऊपर। फिर बोलते हैं कि अगर आपको उस प्रतिक्रिया को मेंटेन रखना है, आप चाहते हैं कि वो बच्चा इन चीजों को हमेशा याद रखे, वो ऐसे ही रिस्पॉन्सेस दे, तो आपको उसको रीइन्फोर्समेंट भी देना होगा। ठीक है, ठीक। नाउ क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी हु हाउ लर्निंग ऑकर्स, जिसने ये बताया हाउ लर्निंग ऑकर्स एंड किस तरीके से लर्निंग होती है, ये इन्होंने क्लेम भी किया और प्रूव करके भी बताया अपने अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू। ठीक है, क्या लिखेंगे हम इसमें, बिहेवियरिज्म में नेक्स्ट पॉइंट होगा बिहेवियरिज्म, बिहेवियरिज्म क्लेम्स, क्लेम्ड एंड प्रूव्ड दैट बिहेवियर कैन बी मॉडिफाइड, ठीक, बाय चेंजिंग द एनवायरमेंट, चेंजिंग द एनवायरमेंट। कहने का मतलब ये है कि अगर आप आस की जिस भी जो भी लर्नर है उसके आसपास का एनवायरनमेंट, उसके स्टिमुलस अगर चेंज कर देंगे तो उसकी प्रतिक्रियाएं भी चेंज हो जाएगी, मतलब कि उसके बिहेवियर में चेंज आएगा। एंड टू मेंटेन दैट बिहेवियर, टू आज पेन ठीक नहीं चल रहा है, टू मेंटेन द बिहेवियर, ठीक है, टू मेंटेन द बिहेवियर यू हैव टू गिव सम स्पेसिफिक रीइन्फोर्समेंट, टू मेंटेन द बिहेवियर यू हैव टू गिव, यू हैव टू गिव स्पेसिफिक रीइन्फोर्समेंट, ठीक है, रीइन्फोर्समेंट, इतना क्लियर है। ठीक है, इसको एक शॉर्ट में अगर मैं बोलूं तो आप कह सकते हैं स्पेसिफिक स्टिमुलस पर स्पेसिफिक रिस्पॉन्स मिलेगा आपको, और उस स्पेसिफिक रिस्पॉन्स को मेंटेन करने के लिए आपको स्पेसिफिक री इन्फोर्समेंट देना पड़ेगा। ठीक, ये कहती है बिहेवियरिज्म या बिहेवियरिस्टिक जो थ्योरीज हैं लर्निंग की, ये बातें बोलती हैं। ठीक, इतना क्लियर है। अब इसकी एक बहुत लंबी लिस्ट है जो आज की क्लास में तो होना पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत लंबा खींचा जाएगा ये। ठीक है, तो क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं जो बिहेवियरिज्म बताता है और जो करिकुलम में ऐड किए जाते हैं, समझ पा रहे हैं आप, ये टॉपिक बहुत अलग तरीके का है। अधिकतर लोग इसे इस तरीके से ले लेते हैं कि लर्निंग थ्योरीज पढ़नी है, नहीं, लर्निंग थ्योरीज के क्या क्या रिकमेंडेशंस हैं, क्या वो प्रिंसिपल्स हैं जो करिकुलम में ऐड किए जाते हैं, हमें वो पढ़ना है। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को, क्लियर है ये कनेक्शन करिकुलम और लर्निंग थ्योरीज किस तरीके से कनेक्टेड है। ठीक है, अभी कल के लेक्चर में आपके सामने बहुत सारे अलग अलग वर्ड आएंगे जिन्हें हम एक्सप्लेन भी करेंगे, तो क्योंकि हम अलग पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने वाले हैं इसे। ठीक है, इसी तरीके से फिर आगे आने वाले लेक्चर में
कॉग्निटिविज्म एंड ह्यूमेनिज्म। आने वाले दो लेक्चर में हम लोग इस टॉपिक को खत्म कर लेंगे, देन वी विल मूव टू द स्टेप्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। ठीक है, आज के लेक्चर में कोई दिक्कत आपको? क्लियर है ये कनेक्शंस? क्लियर है कि क्या पढ़ना है हमें? ये क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए, फिर हम लोग आज की क्लास ख़त्म करते हैं। जी जी ठीक ठीक और एक बात और है। जी 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 थैंक यू थैंक यू थैंक यू एवरीवन। जी जी अनामय जी थैंक यू, मोहन जी, मनश जी, दीप्ति जी। जी ठीक है, तो जो रिकॉर्डिंग है इस वीडियो की, है ना, इस लेक्चर की, ये जो लेक्चर नंबर 6 है आई थिंक हमारा, है ना, सेकंड नंबर का जो लेक्चर है वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम से। ठीक, तो वो मैं फिर से रिकॉर्ड करके जो है डाल दूंगी, आपको मिल जाएगा वो, उसके लिए कोई टेंशन मत लीजिए आप, है ना। और ये जो रिकॉर्डिंग है आपको रिकॉर्डिंग्स में ना मिल करके कहाँ मिलेंगी? स्टडी मटेरियल्स में, यूट्यूब वीडियोज वाला सेक्शन होगा, उसमें मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए रीमा पांडे जी, ठीक ठीक थैंक यू वेलकम जी। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग खत्म करते हैं इस टाइम पर, है ना, और कल इसको कंटिन्यू करेंगे, कॉग्निटिविज्म तक खत्म कर देंगे कल हम लोग। ठीक ठीक है, तो चलते हैं फिर। ओके ओके मोहन जी, ठीक, चलिए तो फिर गुड नाइट सभी को। जी 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 चलिए, बाय बाय, टेक केयर। जी जी जी